सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज वेक्टर्स एंड थ्रीडी की, जिसका चैप्टर 4 लाइन एंड प्लेन हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 4.1 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। हम क्वेश्चन पढ़ते ही आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, जरा उसका दीदारे क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ओ इज ओरिजिन एंड ओ पी इज इक्वल टू 3 विद डायरेक्शन रेशियोज -1, -2 and -2, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। ये जो डायरेक्शन रेशियो होता है ना, ये डिस्टर्ब बहुत करता है। जरा समझिएगा, हमने कहा था कि कोई भी वेक्टर अगर लिखा हो, है ना, मान लिया लिखा है 3i + 4j + 7k, तो 3, 4, 7 डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत होती है कि डायरेक्शन रेशियो की अपनी खुद की जात कोई नहीं होती, ये डायरेक्शन कोसाइन का के साथ रहता है, डायरेक्शन कोसाइन की प्रोपोर्शनेट होता है। अब प्रोपोर्शनेट का मतलब जैसे L/3 = M/4 = N/2 लिख दीजिए, ठीक है। तो 3, 4 और 2 ये L, M, N के प्रोपोर्शनेट हैं। तो 3, 4, 2 उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं जिनके L, M, N डायरेक्शन कोसाइन है। लेकिन प्रॉब्लम है ना, इस प्रकार की कॉन्सेप्ट में नीचे आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 कर दो, इसको 8 कर दो, इसको 4 कर दो, तो भैया 6, 4, 8 हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो के हेल्प से हम किसी वेक्टर को बना नहीं पाते, ठीक है। इसलिए हम डायरेक्ट डायरेक्शन रेशियो को इन्वाइट नहीं करते, हम डायरेक्शन कोसाइन के साथ करते हैं, भैया आना तो डायरेक्शन कोसाइन चाचा को लेके आना, ठीक। जरा समझिए क्वेश्चन दिया गया है, अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ओ ओरिजिन है, लेता हूं जरा, ओ ओरिजिन है, पी को यहां पर पॉइंट है, और इस ओपी का जो मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड इसका है, वो दिया है आपका 3। यानी मैं अगर वेक्टर की बात करूं तो मैं कहूंगा ओपी वेक्टर का जो मॉड है ना, वो 3 यूनिट है, ऐसा बोला इन्होंने, है ना। अच्छा, और कह रहे हैं इसके डायरेक्शन रेशियो, इसके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, इसके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, 1, -1, 2, -2, -1, 2, -2, ये डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं। और कह रहा है कि भाई पी के कोऑर्डिनेट निकालो, हमने फिर वही बात कही कि भैया डायरेक्शन रेशियो की हेल्प से हम इस वेक्टर को पी को बना नहीं सकते, तो ऐसा करते हैं डायरेक्शन रेशियो की मदद से हम डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं। तो हमने डायरेक्शन कोसाइन पढ़ा है कि अगर डायरेक्शन रेशियो आपके ए बी सी हैं तो डायरेक्शन कोसाइन a/√a² + b² + c² + -2 हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो हम निकालेंगे डीसीज ऑफ ओ पी, ये तो दिया हुआ है ए बी सी, तो या तो प्लस में निकालो या तो माइनस में निकालो, क्योंकि हमने पॉजिटिव डायरेक्शन लिया है तो प्लस निकाले ले रहे हैं, ठीक है। तब तक टीयर्स नहीं, जैसे चीयर्स होता है, ये टी है, तो टीयर्स मतलब आपके साथ कर रहा हूं, अब डैट तो आपको शेयर नहीं कर सकते। तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, एल जब निकालेंगे तो आएगा a/√a² + b² + c², यानी कि -1/√1² + 2² + 4, 4, 9, यानी -1/3। जब m निकालेंगे तो ऊपर आएगा 2/3, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जब n निकालेंगे तो आएगा -2/3। तो ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। हम डायरेक्शन रेशियो की मदद नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमने कहा ना कि डायरेक्शन कोसाइन रेशियो की अपनी खुद की जात कोई नहीं होती है, इसको विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम डायरेक्शन कोसाइन के बारे में ये भी जानते हैं कि एक्चुअली में जब हम कोई भी यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो वहां पर ये li + mj + nk होता है, ये हमें पता है, है ना। देखो भाई ये पुरानी चीज पढ़ के यहां बनाना पड़ेगा, अब आप कहो कि डायरेक्ट इसको हम समझ लेंगे और सब, तो नहीं हो सकता ना वो, और हमेशा हम पीछे से जाकर के उसको खींच के लाएंगे कहां से आया, तो फिर टाइम लगेगा ना। अच्छा, ये क्या होता है, ये ओपी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ओपी वेक्टर होता है ना,
एल निकाल चुके हैं कितना, माइनस वन अपान थ्री आई कैप प्लस टू अपान थ्री जे कैप माइनस टू अपान थ्री के कैप। तो जब यहां से ओपी वेक्टर निकालेंगे तो ओपी मॉड से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर ओपी मॉड मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहां पर आएगा माइनस वन अपान थ्री आई प्लस टू अपान थ्री जे माइनस टू अपान थ्री के। ओपी की वैल्यू थ्री है तो जो ओपी अंदर जाएगा ये थ्री 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 को कट खाएगा सबको, तो ये वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी माइनस आई प्लस टू जे माइनस टू के, ये ओपी वेक्टर आ गया। और आप जानते हैं अगर पी का कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो ओपी को आना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। हम पढ़े इसको, पढ़े है ना, तो बताएं उसके लिए नहीं बताएंगे। तो यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, यहां x की वैल्यू हो जाएगी यानी p का जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस वन होगा, टू होगा और माइनस टू होगा, तो माइनस वन टू और माइनस टू इसका कोऑर्डिनेट होगा। अब आप कहेंगे ये बताओ श्रीमान जी वही तो डी आर्स लिखे थे, क्यों नहीं लिखा आपने? नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि अगर कहीं पर ओपी का मॉड थ्री दिया होता, थ्री बाय फोर दिया होता तो ना कैंसिल होता। अगर ओपी का मॉड जो थ्री दिया है ना वो फोर दिया होता तो ये कैंसिलेशन नहीं होता, ठीक है। चूंकि अब डी आर्स की अपनी खुद की जात नहीं होती, इट इज एक्सप्रेस इन द टर्म इन द विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड दिस प्रोसीजर। हैव यू गॉट इट? नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो।